सारे जवाहर साथियों जी, आप देख सकते हो हम मानगढ़ के अभी पहुँचने वाले हैं। हमारे भाई सुखपाल जी उसमें हमारे साथ में और बहुत सारे गांधी वाले साथी हमारे साथ खड़े हैं। देख सकते हैं थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं। बारिश ने अच्छा स्वागत किया है गुरु जी ने। जैसे ही रुकते हैं हम वापस अपना मार्ग तय करेंगे। आपको पीछे दिखा देते हैं किस तरीके से हमारे समाज के लोग जगह आए हैं। बारिश के लिए सब पीछे वाला कैमरा क्यों नहीं चल रहा है? जय जोहार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम मानगढ़ धाम पे आए हैं और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से हमारे आदिवासी समाज के बाशिंदे पहुँचे हैं और गाड़ियों की इतनी बड़ी कतार है और आ रहे हैं और माँ प्रकृति ने मेहरबानी करते हुए हमारा स्वागत किया है बारिश के साथ। बहुत ही शानदार ये यात्रा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी मानगढ़ पहाड़ी पर पहुँच करके क्रांतिकारी जोहार साथियों, आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। भील प्रदेश के तमाम साथी पधारे हुए हैं। वहाँ पर स्तंभ दूर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये टंकी है और ये देख रहा आपको स्तंभ और ये आप सारा पब्लिक को देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जगह नहीं है और सरकार ने डर के मारे नेटबंदी भी कर छुट दी है। इतनी खतरनाक पहाड़ियों में हमारे आदिवासी समाज के लोग इस तरीके से जीवन यापन करते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर चढ़े हैं टंकी के ऊपर। यहाँ से आपको दिखा रहे हैं हम इस तरीके से इधर संग्रहालय है और तमाम प्रकार के उधर धूनी वगैरह हैं। देखिए ये शानदार नज़ारा वादियों में आप देख सकते हैं। चलिए और आपको आगे और कुछ दिखाएंगे। धन्यवाद। हाँ पर फोन नहीं लग रहा, टावर मिली रहा। गाड़ी कहाँ मिली?
ले मखोड़िया क्रांतिकारी जोहार साथियों, आज हम बिल प्रदेश के गौरव कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मानगढ़ धाम पे हम पहुंच चुके हैं। 17 जनवरी आज बिल प्रदेश संदेश यात्रा को लेकर के यहां पर सारा बिल प्रदेश के हमारे आदिवासी समुदाय के सभी बाशिंदे इकट्ठे हुए हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे आपको ये पूरी हुजूम नज़र आ रही होगी, इस तरीके से हम आज हमारे देश के गठन को लेकर के कुछ विशेष यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और हमारे आते ही देखा प्रकृति भी मेहरबान रही और बारिश का मौसम है थोड़ा, तो बारिश ने अच्छे से स्वागत भी किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं पीछे आ रहे हैं और हम भी घूम रहे हैं, इस जगह को देख करके अत्यंत खुशी हो रही है। जैसे कि राजस्थान में कहा जाता है जड़ तो गढ़ जोड़ बाकी सब गढ़ैया, वैसे भी हम हमारे बात है जड़ तो गढ़ मानगढ़ बाकी सब गढ़ैया। फिर आपको बात करते हैं और साथियों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकारें डरी हुई है और नेटबंदी भी कर दी है इस क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि ये लोग किस तरीके से जागरूक हो गए हैं, इस बात से वो डरे हुए हैं कि बहुत जल्द बिल प्रदेश में अवस्था में पुनर्जीवित होगा, इस बात का उनको डर है, इसलिए नेटबंदी भी बंद कर दी है। जैसे हम हमारे साथियों से भी संपर्क नहीं कर पा रहे, आप देख सकते हैं कैसे कैसे सरकारों के षड्यंत्र है, आप समझ सकते हैं इन सभी स्थितियों को। और आप देख सकते हैं कितनी हुजूम लगी है इन सड़कों पे, सड़कें जाम हो चुकी है। और देखिए आपको स्तंभ का दर्शन कराते हैं, गाड़ियाँ आ रही है, स्तंभ है, हम अभी प्रोग्राम स्थल पे जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे भाई ये सुनील है और हमारे तेजपाल जी है इधर, अब देख सकते हैं भाई लोग एमपी के भाई लोग आ रहे हैं बहुत सारे, और आपको दिखाएंगे और साथियों को। स्तंभ में जाने का द्वार Thank you.
Thank you.
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।